हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ श्रेया। मैं हूँ रिया। और आप देख रहे हैं श्रेया रिया एंड फन। सो आज हम लोग करने वाले हैं रुद्राभिषेक ब्लॉग। सो ये रुद्राभिषेक हो रहा है 5 अगस्त 2023 को, जिस दिन होता है हमारे पापा का बर्थडे। सो हैप्पी बर्थडे पापा जी, और जिनका बर्थडे 5 अगस्त को होता है। तो हम लोग आज रुद्राभिषेक एक ब्लॉग बनाने वाले हैं और आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभिषेक की स्टार्ट नहीं हुआ है, बट इतने सारे फूल, गुलाब, गेंदा और बेलपत्र और सब कुछ आ चुका है। कुछ कमर भी आया उधर। अभी हम लोग इसके ऊपर एक चादर बिछाने वाले हैं ताकि ये सूखे ना। इस हमने बिछा दिया है इसके ऊपर हमारी चादर। अब हम इसके ऊपर छिड़केंगे पानी, थोड़ा सा ही छिड़केंगे ताकि ये थोड़े से मॉइस्ट रहे और जल्दी से अकड़े ना, क्योंकि 4-5 घंटे की पूजा होने वाली है, सब लाइव दिखाने वाले हम लोग। सो पंडित जी अभी अभी ही आए हैं। ये देखिए सब बिछ चुका है, खाना वाना रेडी है, हम लोगों का सब रेडी है, दूध उबल रहा है। सो पंडित जी अभी क्ले की मूर्तियां बना रहे हैं हमारे घर पर, और दूसरे भैया जी सारी जरूरतमंद रुद्राभिषेक की चीजें एक जगह पे थोड़ी थोड़ी निकालकर अभी बन रही हैं मूर्तियां, जिसका हमने एक टाइम लैप्स वीडियो बनाया, और हैंगी पेंटिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए लेट्स एंजॉय अनदर टाइम लैप्स। और अभी बच रहे हैं 10 और 11 बजे का टाइम दिया हमने इन सबको। सो लेट्स सी कि टाइम अभी 10 ही बज रहे हैं, और अभी इतने बोर हो रहे थे कि हम अंदर आ चुके हैं। अभी से बाहर जाकर देखते हैं क्या हुआ। लेट्स गो। ये मेरे मामा, मामा से हाय, मामा से हाय। सो गाइस, ये है मेरी नानी और ये है मेरी मम्मी, जिनसे आप मिल चुके हो ऑलरेडी। सो गाइस, ये मिट्टी का शिवलिंग बन चुका है, हमारे नंदी जी, गौरी जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी बन चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी नवग्रह पूजा का जो स्टेज है। सो ये सब भी अभी अभी बना है और रेडी है। जिनको बर्थडे है, बर्थडे बॉय, और पंचांग में पड़ चुका है। आउटफिट जो है वो बहुत ही कम्फी है और कम्फर्टेबल है, बट रुद्राभिषेक के हिसाब से बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ ट्रेडिशनल पहनने वाली हूँ। सो मैंने पहना है एक ग्रीन पेम्पलम सेट और बहुत ही सुंदर लग रही हूँ मैं। इस लुक में मैंने एक ब्रेसलेट भी डाला है। होप यू लाइक दिस लुक। पूजा शुरू हो चुकी है, इंजॉय गाइस। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम भद्रं करुणेभिर्भद्रं पश्येमा शरद्रास्तेरैरङ्गैर्दृष्टवाग्मंसनोमसेमहितं जदायुः भद्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गो गुहाय स्मरेत्। आप लोग पूरा वीड़ो तो देखो ही नहीं का, पूरे वीडियो में मंत्र भरे होंगे, इससे मैंने थोड़ा स्पीड अप किया। गाइज ये है मूर्तियाँ। फिर हमने भोले बाबा के साथ खेली थोड़ी सी होली। इतनी पूजा की, भोले नाम ध्यान नहीं दिए, और जैसे भांग की बात आई वैसे सुनने लगे। सब चढ़ाएंगे भांग। ठीक
मैंने सारे वीडियो क्लिप्स अभी देखा है, ऑलमोस्ट ऑल सारे के सारे चले चुके, फिर से हम चार रह चुके हैं और कुछ खाना का जब होगा अन्य कोई चर्चा नहीं, घर में थोड़ी भीग रही, भीगने दो, ताला लगा कि नहीं लगा खुला रहने दो, बोले बाबा सब संभाल लेंगे। भगवान की जय, ओम गायत्री नमः, श्री गणपते नमः, साम सदा शिवाय नमः, ये नमः पूजा है जिसमें हम लोगों को नमः करते करते एक एक फूल उठाना है और अलग करते जाना है। बाद में जो शिवलिंग बनेगा वो इन्हीं हमारे चढ़ाए हुए फूलों से बनेगा। सो गाइस, इसमें जो टोकरी थी इससे हमें नमः बोलने पर एक एक करके एक फूल को उठाकर एक कागज़ पे रखना था। बाद में जो शिवलिंग बनेगा वो इन्हीं चढ़ाए हुए फूलों से बनेगा। सो हम लोगों ने एक टाइम लैप्स बनाया है इसके ऊपर, सब देख ही सकते हैं। हम थोड़ा सा हेक्टिक होता है और वो गिर भी पड़ रहे थे, हम लोग इतनी हंसी भी आ रही थी, मज़ा भी आ रहा था और हम लोग खेले पड़े थे उन फूलों से। हम दिखा रहे थे कि भाई परफेक्ट फूलों का शेप मिला, मेरे को बीच में उठना भी पड़ा बट मैं बहुत जल्दी आ भी गई थी। मेरे नमः नमः मिस हो रहे थे, मैं दो तीन फूल एक साथ डाल रही थी। सो गाइस, ये रहे फूल और ये रहे मैं चढ़े हुए फूल और ये हैं पंडित जी। उन फूलों को एक साथ उसी मूर्तियों के ऊपर इकट्ठा कर करके एक शिवलिंग तैयार कर दी और उसके बगल में खड़ी हुई रिया, कितना सुंदर लग रहा है। और ये सारे स्टिकर्स हैं, जब तक ये बन रहा था, जब तक हमारे भोले जी तैयार हुए थे तब तक हम लोगों ने देख भी नहीं पाए, हमें अकेले रूम में भेज दिया गया था। और जो बाद में रिजल्ट है वो तो भाई साहब इतने अच्छे आए हैं, मेरे को तो ये बहुत ही अच्छा लगा बाद का रिजल्ट, तो सो नाइस। और ये हमारी एक ब्यूटीफुल फैमिली पिक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आपके भी घर पे रुद्राभिषेक हुआ है? सो गाइस, 5:30 पे हम लोगों का ये रुद्राभिषेक ओवर वाज, इट्स लाइक अ 6 आवर लॉन्ग जर्नी 11 से 5:30 का, काफी हेक्टिक डे था और मजा भी आया। और हम लोग का ये लास्ट फिगर है जो लास्ट में बन गया है, बहुत ही अच्छा है। कल हम लोग विसर्जित करने जा रहे हैं, अगर आप मतलब सारे गेस्ट सब कुछ, सारे जो भी लोग आए थे वो सारे चले गए हैं और अब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स वरना ऐसे हम लोग कोई भी हम लोग को ऐसे जाना पड़ता है उसमें फूड एंड ऑल। सबसे ज़्यादा मेरे को हेक्टिक वो लगा, That's it for the video. Thank you for the watching. We will meet you next video. Till then, like, share and subscribe. Bye bye.